नानी जी, आज रसोई में इतने अच्छे पकवान क्यों बन रहे हैं? अरे, तेरे नाना जी ने एक तपस्वी मुनि जी को घर बुलाया है। वो उनसे धर्म चर्चा करेंगे। धर्म चर्चा? ये धर्म चर्चा क्या होती है? अगर इससे हमें स्वादिष्ट पकवान खाने को मिलते हैं तो मुझे भी धर्म चर्चा करनी है। धर्म चर्चा कोई बच्चों का खेल नहीं। मैं थोड़ी ना बच्चा हूँ, मैं तो बड़ा हो गया ना। अच्छा, कब हुआ बड़ा तू? बहुत पहले। चुप, मेरा दिमाग मत खा। नानी, मैं लड्डू ले लूं? नहीं 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 वो मुनि जी को पहले। तू जा अपने नाना जी से बात कर, जा। नाना जी, मुझे भी धर्म चर्चा करनी है। धर्म चर्चा करनी है? बेटा, धर्म चर्चा कोई बच्चों का खेल थोड़ी होता है। मैं थोड़ी ना बच्चा हूँ, मैं तो बड़ा हूँ ना। नानी भी यही कह रही कि मैं बच्चा हूँ। ओले ले ले, तू तो बहुत बड़ा हो गया है पागल। बेटा, धर्म चर्चा भी किसी टाइम करेंगे। एक बात सुन ले तू, मुनि जी आ रहे हैं, उनके सामने कोई उल्टी सीधी बात मत बोलना, ठीक है? हाँ तो मैं खेलने जाऊँ? हाँ बेटा, अब तू खेलने जा बाहर, जा। और मैं थोड़ा सा हिसाब कर लूं, तब तक निपटा देता हूं। एक चार, नानी मुनि जी आ गए। नानी मुनि जी आ गए। प्रणाम मुनिवर। यशस्वी हो, आनंदित रहो। पधारिए, छोटे से घर में स्वागत है आपका। यजमान, आदमी घर से नहीं दिल से बड़ा होता है। श्री कृष्ण, श्री कृष्ण, श्री कृष्ण। आप बड़ी दूर से आए हैं महाराज, आसन ग्रहण करें। धन्यवाद। ईश्वर तेरी करुणा अपार है। श्री कृष्ण, श्री कृष्ण, श्री कृष्ण। वाह, क्या बढ़िया खुशबू आ रही है। अचानक मेरी यानी मेरे शरीर की भूख चौगुनी हो गई। वाह, ये तो आपकी अनुकंपा है महाराज। ईश्वर आपको सौभाग्यवती रखे। शुरू करें महाराज। श्री कृष्ण, श्री कृष्ण। वाह यजमान, आपने तो इस नश्वर शरीर को इसी जन्म में स्वर्ग का दर्शन करा दिया। आपके मन में कोई भी शंका हो, कोई भी प्रश्न हो, निसंकोच पूछो। महाराज, उम्र हाथ से छूटी जा रही है। मन में एक बात बार बार उभर कर आती है, क्या इस मनुष्य योनि के सुख दुख के फेर से हम जैसे संसारी की मुक्ति संभव है? सांसारिक जीवन में मुक्ति पाना लगभग असंभव है। नानी, इसका कारण साफ है। क्या यही धर्म चर्चा है? भगवान ने मनुष्य को बनाया ही। सुन उनकी बातें, क्या बोलते हैं। इंसान कितनी भी कोशिश करे, वो पाप करने से नहीं बच सकता। हाँ, थोड़ा बहुत पुण्य करके, जैसे कि आपने अभी किया, मृत्यु के बाद होने वाली पीड़ा से थोड़ा बहुत बच सकता है, लेकिन मुक्त नहीं हो सकता। और मनुष्य को हमेशा नरक का डर होना चाहिए।
क्योंकि नरक भी एक नहीं सात प्रकार के होते हैं। भगवान ने मनुष्य को बनाया ही ऐसा है कि वो जन्म जन्म की पीड़ा से थक कर तप साधना और संन्यास का मार्ग ले, यही उसकी परम मुक्ति है। क्या आपने कभी नर्क देखा है या फिर कभी आप भगवान से मिले हैं? बड़ा नटखट बच्चा है बेटा, जाओ बाहर खेलो। महाराज जी, आपको बच्चे के प्रश्न का उत्तर देना चाहिए। मैंने शास्त्रों का अध्ययन किया है और शास्त्रों की वाणी परमात्मा की वाणी, मैं सदा वही कहता हूँ। तो फिर तो आपका भगवान भी तो पापी हुआ, तभी तो हम सबको बनाया पाप करने के लिए। बेटा अपनी जुबान को काबू में रखो वरना घोर अनर्थ हो जाएगा। अरे भाई इसको भीतर लेके जाओ, पता नहीं क्या क्या बोले जा रहा है। बालक परमात्मा का स्वरूप होते हैं महाराज जी, और राजा को अपनी बात कहने का पूरा हक है। अपमान, धर्म का घोर अपमान। अब मैं यहाँ एक पल नहीं रुक सकता। हे परमात्मा, हे प्रभु, मुझे माफ करना, धर्म का घोर अपमान। अरे जाओ जाओ, हमारे गांव में गहरा तालाब है, उसमें जाके डूब मरो, सारे पापों से मुक्ति मिल जाएगी। जाको प्रभु दारुण दुख देई, ताकि मति पहले हर ले। चल बच्चा, मुझे दूसरा गांव छोड़ दे, घोर कलयुग आ गया, मैं अब कभी इस घर में कदम नहीं रखूंगा, घर क्या इस गांव में कदम नहीं रखूंगा। हे कृष्ण, हे कृष्ण, हे कृष्ण, हे कृष्ण, हे कृष्ण, हे कृष्ण, मेरा इतना अपमान। क्या ऐसे ही चिड़े रहोगे जी? और आज आपने दिन भर कुछ खाया भी तो नहीं? सच कहूं तो कई बार भगवान ही बच्चों के मुख से बोलते हैं। जरा सोचो तो राजा ने जो बात कही वो एक मायने में सही ही तो है ना? अब छोड़ो भी, बच्चे की बात पर इतना मुंह फुलाने की क्या जरूरत है? गुस्सा मुझे राजा पर नहीं बल्कि अपने आप पर है। जो सीधी सच्ची बात राजा को दिखाई दे गई वो इस बुड्ढे की बुद्धि में पहले क्यों नहीं आई? मड़वा बाबा, हमें पिलाओ ना मदवा। मजा आ गया। इस इलाके में आऊं और तुमसे ना मिलो, ये कैसे हो सकता है राजा? मैं आपसे एक बात पूछूं? पूछो। फकीर दाढ़ी और बाल क्यों बढ़ाते हैं? हम बढ़ाते नहीं, ये तो खुद बखुद बढ़ जाते हैं, ये तो और लोग हैं जो कटवाते हैं। मैं आपसे एक और बात पूछूं? पूछो। आप रहते कहाँ हैं? हम तो बावरे हैं, हमारा कोई ठिकाना नहीं राजा, जहाँ रास्ता ले जाए उसी रास्ते पर हम चले जाते हैं। ये नानी जी ने आपके लिए गर्मा गर्म रोटी और सब्जी बनाई है, आप खा लेना। थोड़ी देर और रुका तो तुम्हारे मुंह में पड़ जाऊंगा राजा, इसलिए चलता हूं। अगली बार जल्दी आना। अरे नहीं नहीं राजा, राजा रोक, सुन जरा, दूध गरम किया है वो पी के जा। हे भगवान, आज सुबह से तीसरी बार दूध गरम कर रही हूं मैं,
चौथी बार गरम कर लेना, रबड़ी भी बन जाएगी। आपके इसी लाड़ प्यार ने ही उसे बावरा बना दिया है। अरे भूरा, अरे भैया राजा तालाब के किनारे गया है, जरा ध्यान रखना उसका। देखिए, मैं आपके उपकारों को कभी नहीं भूल सकती, लेकिन अब देखती हूँ कि मुझसे काम ना हो सकेगा। मैं बहुत थक गई हूँ। हाँ हाँ, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं कि तुम यहाँ से चली जाओ। कम से कम ऐसी हालत में तो मैं तुम्हें न जाने दूंगा। जी शुक्रिया, लेकिन मैं इन्हें यहाँ एक मिनट ना छोड़ूंगा, चाहे कुछ भी हो। अगर तुम भी यही चाहती हो तो मैं मजबूर हूँ। आए हुए एक महीना भी नहीं हुआ और आज वो स्टेज पर भी निकलेगी। कल मुनी मेरे उम्र भर के किए धरे पर पानी न फेरते। पिताजी, यूं बैठे रहने से काम नहीं चलेगा, कुछ कीजिए। तो क्या करूं, तू ही बता। नानी, आपने देखा वो लोग कितने ध्यान से खेल को देख रहे थे ना? उन्हें तो लग रहा था कि यही सच है, पर सच्चाई तो कुछ और ही है। और सारे लोग कितने खो गए थे और कितने खुश थे, नहीं? हाँ, वही तो। खेल शुरू होने के पहले भी पर्दा खाली था और खेल खत्म होने के बाद भी। उन्हें तो लग रहा था कि यही सच है। कितनी अजीब बात है ना। नानी, क्या ये लोग खेल के बाद भी उतना ही खुश या दुखी होंगे जितने खेल के दौरान थे? बेटा, ये बात तो मुझे भी नहीं पता। ओ बुरा, ओ जल्दी आ। हाँ जी। देख तो, जमाई जी है ना? हाँ। जा सामान पकड़ उनका। औलाद, पहला गान। अम्मा कैसी हैं? खुश रहो, खुश रहो, खुश रहो बेटे। घर में सब कुशल मंगल तो है? आपकी दया से सब कुशल मंगल है। अम्मा, मैं तो यहाँ पास के एक गांव में किसी काम से आया था रात को, तो सुबह सोचा आप लोगों से मिलता चलूं। अच्छी बात है। राजा कैसा है? आज सुबह तो पौ फटते ही उठ गया था, अभी पढ़ाई के नाम पर अपने नाना जी को तंग कर रहा होगा। भीतर तो चलिए। आई ईशापुर 483। प्रणाम बेटा, प्रणाम। दामाद जी के लिए चाय नाश्ते का कुछ इंतजाम कर लो। हाँ। और राजा बेटा, कैसी चल रही है पढ़ाई नाना के साथ? अरे इसकी पढ़ाई को मत पूछो दामाद जी, बड़ी टेढ़ी खीर है। किसी भी किताब को दो दिन में पढ़ लेता है, उसके बाद उल्टा मुझे ही पढ़ाना शुरू कर देता है।
अगर आप मुझे लेने आए तो पहले बता दो, मैं आपके साथ नहीं आने वाला। अरे बेटा, मैं तो किसी काम के सिलसिले में यहाँ पे आया था, तो सोचा तुमसे मिलता चलूं। मैं अपने नाना और नानी के साथ ही रहने वाला हूँ। हाँ हाँ भैया, तू अपने नाना नानी के साथ ही रहे, मैं मना नहीं कर रहा हूँ। और बेटा कैसा चल रहा है? बस अब आपका आशीर्वाद है बाबा। बाबा मुझे ना आपसे थोड़ी बात करनी थी। हाँ, अभी हारे थके आए हो, हाथ मुंह धो लो, थोड़ा आराम कर लो, बात भी करते हैं। जी बाबा। अब राजा की मौजूदगी से ऐसा लगता है जैसे हमारा भी बचपन लौट के आ गया है। हम बुड्ढों की जिंदगी में भी हर पल उत्सव बना रहता है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं बाबा, पर असल में बात यह है कि राजा की उम्र बढ़ती जा रही है, और अगर जल्दी उसे स्कूल में दाखिला नहीं दिलवाया तो बहुत देर हो जाएगी। देखो बेटा, एक बात कह देता हूँ, जब तक मेरी जिंदगी है तब तक राजा यहीं इसी गांव में मेरे साथ रहेगा। रही बात उसकी पढ़ाई लिखाई की, तो उसके लिए काबिल से मास्टर का इंतजाम कर देता हूँ। बाबा आप मेरे पूजनीय हैं, आपका कहा शर्मा थे, पर आपको जो अच्छा लगे वो कीजिए। और बेटा कौन जाने कब उस ऊपर वाले का बुलावा आ जाए। अरे बाबा ऐसी बात ही मत कीजिए, मैं तो हमेशा चाहता हूँ कि आपका हाथ हमारे सर पर यूं ही बना रहे, राजा आपके पास ही रहेगा, दिल छोटा करने की जरूरत नहीं है। पर राजा है कहाँ बाबा। अरे दोस्त आते रहना। गया गया, यही तो बात है, 2 मिनट में जाता है, 2 सेकंड में जाता है, और 2 सेकंड में आता है, 2 सेकंड में आता है, 2 सेकंड में जाता है। क्या अरे भाई खाना खिलाओगी भी, दामाद जी को भूख लगी है, कितनी देर हो गई। बस बस लाई लाई। अम्मा लग रहा 56 भोग बना रही हैं आज। तभी तो कहूं गोला कसमें गोला कसा जा रहा था, किसमें बादाम अलग किए जा रहे थे, उम्दा खीर बनाई हुई। बाबा धीरे बोलो, वरना आज खाना नहीं मिलेगा। सुनिए सुनिए, पर आपको खाने से पहले मेरा जादू देखना पड़ेगा। नहीं नहीं भाई, पहले खाना खाएंगे, भूख लगी है। नहीं नहीं नाना जी, आपको देखना पड़ेगा। अरे राजा बेटा, सुना नहीं नाना जी ने क्या कहा, बड़ों की बात मानते हैं ना। नानी आइए ना, सब लोग जादू देखने वाले हैं। ये करने देना मुझे जरा। नहीं, अगर आप नहीं आएगी तो मैं खाना नहीं खाऊंगा। अच्छा ठीक है ना। ठीक है ठीक है भाई, तू खाती हूँ। अरे दादा तू खाना खा मेरे बाप, और दिखा चल। आपने बिगाड़ दिया इसे। अरे बच्चा दिखा दिखा तेरा जादू। ये नींबू है। अब आप लोग बताइए ये नींबू किस लोटे के नीचे है। बीच वाले में। नहीं नहीं, तेरे दाएं वाले। अरे बाबा आपको नहीं पता है, मैंने देखा ये बाएं वाले में, खोल ना लायक। ये तो कमाल हो गया, आखिर ये नींबू गया कहाँ? नाना जी की जेब में है। क्या होता? अच्छा? नाना जी की जेब में? देखिए ना। देखो तो जरा। मेरी जेब में कहाँ से आ गया? यकीन नहीं होता, अभी देख लीजिए। हाँ भाई ये तो कमाल हो गया, मेरी जेब में कैसे आया भाई? ये जादू वादू कुछ नहीं होता, सब हाथ का कमाल है। ये ढूंगी बाबा हम लोग को मूर्ख बनाए थे जादू के नाम पे। नमस्कार। नमस्कार, हम जनगणना अधिकारी हैं। वैसे तो आप सभी के नाम हमारे कागजों में अंकित हैं, पर नए कानून के हिसाब से हमें आपकी जाति और धर्म की सूचना भी लिखनी होगी। हम सबकी जाति मात्र इंसान है, और क्या बताऊं अपना धर्म।
कभी मैं सूफियों के रंग में रंग जाता हूँ तो कभी संतों के, कभी जैन मुनियों से प्रभावित होता हूँ तो कभी शाम के ढलते सूरज से। यही सच है बेटा, ये धर्म कर्म की बातें अभी तक तो हमारे समझ में आई नहीं। सब कुछ एक पहेली सा लगता है, जब समझ में आ जाएगी तो बता देंगे। माफ करना, हमारे फॉर्म में ऐसा कोई कॉलम नहीं है, तो मुझे आप लोगों के नाम के आगे नास्तिक ही लिखना होगा। जैसी तुम्हारी मर्जी, क्या इंसान होना काफी नहीं? नाना जी, इसमें लिखा है जब भगवान बुद्ध का अंत समय आया तो वो सबसे विदा लेकर निर्वाण को प्राप्त हुए। ये निर्वाण क्या चीज होती है? निर्वाण क्या होता है बेटा, ये तो मैं भी नहीं समझ पाया हूँ। शायद इसे क्या हो रहा नानी जी, क्या हुआ? नानी देखिए नाना जी को, क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ जी, क्या हो रहा है? क्या हुआ? बड़ी घटन सी। बुरा, ओ बुरा, बुरा चल गया। सांस लेने में तकलीफ, मुझे लगता है अस्पताल जाना पड़ेगा। मैं गाड़ी निकालता हूँ। हाँ, जा जल्दी। जल्दी कर। जल्दी कर बुरा। चलिए अड़ो अड़ो आप अड़ो। पर लोक पर लोकवा
बाबा। हाँ बेटा। एक सवाल पूछूं? अगर मना कर दूंगा तो नहीं पूछोगे क्या? पूछो पूछो। ये नदी में कितना पानी होता है? नदी में बेटा बहुत पानी होता है। वो तो मुझे भी पता है बहुत पानी होता है, पर नदी में पानी कितना होता है? पानी ऐसे बताना बड़ा मुश्किल है, लेकिन बहुत सारा पानी होता है। इसका मतलब आप हार गए ना? आप मुझे तैरना सिखाओगे ना? हाँ हाँ मेरे बाप, तैरना सिखाऊंगा। पक्का? हाँ पक्का। राजा बेटा, तैरने के लिए हाथों से ज्यादा पैर की जरूरत होती है। माँ आप अकेली रहेंगी तो हमें चिंता लगी रहेगी, आप यहीं रहिए ना, यहाँ आपको किसी चीज की कोई तकलीफ नहीं होगी। मैं जानती हूँ, मगर अब इस भीड़ भाड़ में नहीं रहना चाहती मैं, बस कहीं अकेले दूर शांति से रहना चाहती हूँ। पर माँ यहाँ हम सब हैं, और फिर राजा भी तो है, आपका मन लगा रहेगा और आपके बिना ये घर बहुत सूना हो जाएगा। माँ सूनापन जिंदगी का एक हिस्सा है, अब हम कितनी भी कोशिश करें उससे भाग नहीं सकते। बात तो आपकी सही है माँ, और बाबा के जाने के बाद तो सब कुछ बहुत खाली खाली सा हो गया। अब बस इस शहर से दूर शांति से जिंदगी के पल गुजर जाएं। माँ आप ये कैसी बातें कर रही हैं? और अगर ऐसी ही बात है तो जो नदी के किनारे हमारा पुश्तैनी मकान है, हम उसे दुरुस्त करवा देते हैं। माँ मैं आपसे कह रहा हूँ कि मैं नानी के साथ ही रहूंगा। अच्छा बाबा, तुम नानी के साथ ही रहना बस। हाँ चलो माँ खाना लगाए, आ जाओ खाना खाते। नानी बाबा ने मुझे वादा किया है कि वो मुझे तैरना सिखाएंगे। अरे वाह, पर मुझे नहीं लगता वो सिखाएंगे। ऐसा क्यों लगता है तुझे? देखो वो जब एक बार दुकान में घुस जाते हैं तो उन्हें कुछ याद नहीं रहता, मुझे पता है वो फिर भूल जाएंगे। तू फिर तैरना कैसे सीखेगा? मुझे लगता है अगर मैं नदी के अंदर चला जाऊँ तो नदी मुझे खुद तैरना सिखा देगी। ये किसने कहा तुझसे? मुझे पता है। नानी एक बात पूछूं? हाँ हाँ पूछो। नानी ये नदी में कितना पानी होता है? नदी में बहुत पानी होता है। बहुत हो गया शोर आप लोगों का, एकदम शांति। बच्चों आज हम आपको वृक्ष के बारे में बताते हैं। बच्चों वृक्ष मनुष्य के जीवन का अभिन्न अंग है, वो हमें जीवन देता है। और ये किताब जो हमारे हाथ में है, आप लोगों के पास है, वो भी हमें वृक्ष की कृपा से ही मिली। ओए लड़के क्या चल रहा है? जानते नहीं मैं कंटर मास्टर हूं, बड़े बड़ों को सुधारा है मैंने। अब यहां आओ और पहले दिन का प्रसाद चख लो, दिमाग के सारे दरवाजे खुल जाएंगे। सुना नहीं? अपना बस्ता बांधो और नीचे आओ। क्या चल रहा था वहां पर? आप ही ने तो कहा वृक्ष हमारे पूज्य है, तो मैं उसकी सौंदर्य में खो गया था। जुबान चला रहा है कंटर मास्टर के सामने, जुबान चला रहा है। हाथ आगे कर। सुना नहीं मैंने कहा हाथ आगे कर।
आपने मुझे क्यों मारा इतनी छोटी सी बात पे? मैं आपकी शिकायत हेडमास्टर से कर दूंगा। अच्छा, शिकायत करेगा? धमकी दे रहा है? अरे जा, कंटर मास्टर का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इस शहर के जितने भी पढ़े लिखे लोग हैं ना, उन सभी ने मेरी मार खाई है। जा कर ले जो करना है, वो शिकायत करेगा। हाँ तो हम आपसे कह रहे थे बच्चों, क्या मैं अंदर आ सकता हूं? आ जाओ बेटा, आ जाओ। मुझे आपसे एक शिकायत दर्ज करवानी है। तुम्हारा दाखिला तो आज ही हुआ है ना, बोलो क्या बात। आप पहले मेरा हाथ देखिए। ये क्या हुआ? ये हिंसा मेरे साथ कंटर मास्टर ने किया, और वैसे मैंने कोई बड़ी गलती नहीं की थी कि मुझे इतनी कठोर सजा मिले। आपको इस बात के लिए कुछ करना चाहिए। देखो बेटा, स्कूल में ये सब चलता रहता है, धीरे धीरे तुम्हें सब समझ में आ जाएगा। वैसे भी कंटर मास्टर मेरे सीनियर है, इस बारे में मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। अच्छा, तो आपके ऊपर कौन है? वैसे मेरे ऊपर म्युनिसिपल के चेयरमैन है, लेकिन इतनी छोटी छोटी सी बातों के लिए इतना बड़ा हंगामा क्यों? मेरे नाना जी ने मुझे सिखाया है कि कभी अन्याय नहीं सहना और कभी झूठ का साथ नहीं देना। अभी मैं चलता हूँ, नमस्ते। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? हाँ आओ बेटा, आओ बैठो। नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ। मुझे आपसे एक शिकायत करनी थी। शिकायत? हाँ हाँ बोलो। स्कूल में मेरे साथ कंटर मास्टर ने हिंसा की, और जब ये मैंने हेडमास्टर से कहा तो वो कह रहे थे वो कुछ नहीं कर सकते, इसलिए मैं यहाँ आया हूँ। उनके बारे में पहले भी मुझे शिकायत मिली है बेटा, लेकिन आज तक खुल के कोई नहीं बोला। अब तुम कह रहे हो तो मैं इस पे जरूर कुछ करूंगा। अच्छा ये बताओ बेटा, उस मास्टर ने ऐसा किया क्या है? मैं कक्षा में बैठा था और वो हमें वृक्षों की खूबियां बता रहे थे, और मेरी नजर एक सुंदर वृक्ष पर पड़ी। मैं उसे देखने लगा और तभी उन्होंने मुझे सामने बुला के झड़ी से मारा। आप ही बताइए, ये गलत है ना? बिल्कुल गलत है। तुम तो वही कर रहे थे ना जो वो पढ़ा रहे थे। हाँ, इसलिए तो मुझे यहाँ आना पड़ा। तुम्हें डर नहीं लगता? नहीं, नानी कहती है अगर आपने कोई गलत काम किया ही नहीं है तो उसके लिए डरने की कोई जरूरत नहीं है। अब मैं चलता हूँ, नमस्ते। तुम किसी को ढूंढ रहे हो क्या बेटा? क्या ये बड़े लोगों का स्कूल है? नहीं बेटा, इसे लाइब्रेरी कहते हैं, और यहाँ बच्चे बूढ़े सभी अपनी मर्जी से आते हैं और अपनी अपनी मर्जी की किताब पढ़ते हैं। यहाँ कितनी किताबें होंगी? तुम्हारी उम्र कितनी है? 11 साल। तो बेटा अगले 11 साल तक अगर तुम रोज यहाँ आओगे और एक किताब पढ़ोगे अपनी मर्जी की, तो भी किताबें खत्म नहीं होंगी। इतनी किताबें हैं हमारे यहाँ। क्या सोचने लगे? क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? मुझे किताबें देखनी है। अच्छा, आ सकते हो, आ जाओ। कंटर की छुट्टी हो गई है रे बाबा। अरे राजा आ गया। और भाई राजा, तुम्हें पता है कि कंटर मास्टर की छुट्टी हो गई, अब वो कभी स्कूल नहीं आएंगे।
उनकी बदली कोई दूसरे गांव में हो गई है। तो फिर गाँव इसी रात में कंटर की छुट्टी हो गई है रे बाबा। भैया हाँ, क्या आप इन नेता के पक्के चले हो? अरे नहीं भैया, हम तो वैसे चले आते हैं, थोड़ा लड्डू और 5-5 पैसे मिल जाते हैं। क्या सच्ची? हाँ हाँ, इसलिए तो हम आते हैं। हमें भी मिलेंगे? हाँ हाँ बिल्कुल मिलेंगे, जाओ ले लो। राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, सत्य बोलो सत्य है। राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, सत्य बोलो सत्य है। राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, सत्य बोलो सत्य है। राम नाम सत्य है, 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 राम नाम चलो भाई, एक तो कहानी खत्म, अब बात करते हैं मुद्दे की। मुद्दा? हाँ मुद्दा, मुद्दा यह है कि आज से दुकान मेरी, बाकी तुम लोग बांट लो। बाकी? अरे 3 साल से दुकान मैं संभाल रहा हूँ, तो दुकान मेरी हुई ना। तो क्या हो गया, 3 साल से संभाल रहे थे, अब नहीं, समझे? देखिए मैं आप दोनों से छोटा हूँ और दुकान अब मैं संभाल। हाँ छोटे हो तो छोटे की तरह बात करो, समझे? दिमाग मत खराब करो मेरा, दुकान मेरी है और मैं चलाऊंगा दुकान। आप बड़े हैं ना, तो आप बड़प्पन दिखाइए। हाँ, दुकान मेरी है। बड़प्पन ही दिखा रहा हूँ, बड़े का पहले हक होता है। चाबी मुझे दीजिए और मुझे दुकान चलाने दीजिए। ए! बहुत जुबान चल रही है तेरी, जितना कहा है उतना कान खोल के सुन लो। से बोल कर गए थे मैं दुकान चलाऊंगा। कब बोला? अच्छा पूछवा इनसे। देखिए दुकान अब मैं संभालूंगा, बस। चुप कर, दुकान संभालेगा, दुकान की तरफ दोनों लोग नजर भी उठा के मत देख लेना। दुकान की चाबी मेरे पास है, दुकान मैं संभालूंगा। ताला तोड़वा के अपना ताला डालूंगा, कल से दिखाई मत दे जाना दुकान के पास, समझे? आप अपना झगड़ा बंद कीजिए, पहले मुझे मेरे पैसे और लड्डू दीजिए। पैसे? लड्डू? लाइब्रेरी में तो हजारों किताबें होती होंगी ना। आपको तो बड़ा मजा आता होगा। हाँ आता तो है। आपने सारी किताबें पढ़ ली होंगी? नहीं पर काफी पढ़ ली, पर पिछले कई सालों से मैंने कोई किताब नहीं पढ़ी, अब पढ़ने का मन नहीं होता मेरा। तुम्हें पता है हमारी लाइब्रेरी में ऐसी कई किताबें हैं जिन्हें आज तक किसी ने छुआ ही नहीं है। ऐसा कैसे? लाइब्रेरी में तो रोज हजारों लोग किताबें पढ़ने आते हैं, कोई किताब अछूती कैसे रह सकती है? ठीक उसी तरह बेटा जैसे हम प्रकृति में रह के भी प्रकृति से अछूते हैं। आप सही कहते हैं, ये प्रकृति भी तो एक लाइब्रेरी ही तो है। ये नदियाँ, ये पहाड़ और ये जंगल उसकी किताब है। क्या बात है? मैं आपसे एक बात पूछूं? हाँ हाँ पूछो। आपको याद है जब मैं आपसे लाइब्रेरी में मिला था, आप किताबें रख रहे थे और आपसे 2 किताबें गिर गई थी, आपने एक को माथे से लगाया और दूसरे को नहीं, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए बेटा क्योंकि वो हमारे प्रभु श्री राम की किताब थी। प
पर सारी किताबें तो एक जैसी होती हैं, सब ज्ञान देती हैं। फिर आपने ऐसा क्यों किया? बताओ मैं कौन हूँ? पता है कौन है तो बताओ। मेरा राजा बेटा। इस बार गर्मियों की छुट्टी में सिर्फ मैं मस्ती करूँगा और कुछ नहीं करूँगा। वो तो तू हमेशा ही करता है, कभी दुकान में जाके अपने बाबा की मदद भी कर दिया कर। बाबा की मदद? हाँ। नहीं नहीं, मुझे नहीं करनी। वो तो मुझे दुकान में छोड़ के भूल जाते हैं। उनकी क्या मदद करनी? तुझे कोई नहीं समझ सकता, तू वही कर जो तुझे ठीक लगे। ठीक है। बाबा मुझे यह दुकान में अच्छा नहीं लगता, मुझे तो सिर्फ नदी और लाइब्रेरी अच्छी लगती है। हाँ वो सब ठीक है, अरे हाथ में क्या ले रखा है दिखा, ये क्या कूड़ा कबाड़ा इकट्ठा कर रखा है, जाओ और इसे फेंक के आओ। मैंने नहीं फेंकूंगा, ये मेरे लिए बहुत कीमती है। इन पत्थरों से मैं खेलता हूँ और इन रंगीन शीशों से मैं आसमान को देखता हूँ, बड़ा मजा आता है मुझे। तुम्हें मेरी एक बात समझ में नहीं आती है, मैंने क्या कहा, जाओ और फेंक के आओ। मैंने फेंकूंगा पर एक शर्त पे, आपको भी अपनी जेब से सारे पैसे फेंकने होंगे, मंजूर है आपको? पैसे फेंकने होंगे? हाँ। अरे बेटा तुम्हें पता भी है ये घर ये दुकान किससे चलती है, पैसे से। पैसा बहुत कीमती चीज है बेटा। जैसे आपके लिए पैसे कीमती है वैसे मेरे लिए ये कीमती है। ओ भैया तू जा अपनी लाइब्रेरी जा, वहीं किताबों से अपना माथा फोड़, मेरा पीछा छोड़, मैं संभाल लूंगा अपनी दुकान अपने आप, चल। बाबा ये दुकान में मैं कब से बैठा हूँ, बड़ी भूख लगी है, पैसे दो ना जलेबियां खानी है। तूने सही धंधा चुना है, जा ये कीमती पत्थर ये शीशे लेके खा ले जलेबी। हाय मुझे लगता है कि बड़े होके तू कुछ ना करने के ही पैसे लेगा। ये ले। राम राम चाचा। राम राम राजा, कैसे हो? ठीक है। वो स्कूल के मास्टर जी को 50 किलो जलेबियाँ चाहिए थी, क्या भाव लगाओगे? बिल्कुल सही भाव लगा देंगे राम की कृपा से, बोलो कब चाहिए? अभी तो एक आने का नमूना दे दीजिए, उनको चखाना पड़ेगा। अरे एक आने की क्या जरूरत है भाई, लो तुम मुफ्त में ले जाओ, लो एक आना। अभी तो आपने कहा मुफ्त में ले जाओ। 50 किलो कब चाहिए? अभी तो 2 महीने की छुट्टी है, बाद में बताता हूँ। सत्यानाश हो तेरा राम की कृपा से, अब जा पकड़ के ला फुन्नू, सत्यानाश हो तेरा, फिर बेवकूफ बना गया, राम की कृपा से। मक्का बाबा की जय हो, भैया ये बूढ़े आदमी कौन है और आप यहाँ कहाँ से आए हैं? ये हमारे मग्गा बाबा हैं। पिछले महीने पड़ोस के गांव वाले इन्हें यहाँ से उठाकर ले गए थे, चुपके से, बड़ी मुश्किल से ढूंढ के लाए इन्हें। अच्छा कमाल है, मग्गा बाबा में ऐसी क्या खास बात है? खास बात ये बहुत कमाल के हैं, जहाँ जाते हैं वहाँ खुशहाली खुशहाली होती है। वग्गा वग्गा जारू सारू रे वग्गा। हस्ताब
हसदाम रे हसदाम वका वका आया गया गसदाम तबड़ तड़ना हसदाम रे गला वका वका इरे मिलोज राबेद बाबा आप ही कौन सी बोली बोलते हैं? इरे मिलोज रावेद आपसे मिलके तो मजा आ गया वाह सौदा तो अच्छा है अगर आपका ये जादुई मग्गा मेरे पैसों को दुगना कर सकता है तो मजा आ जाएगा अब तो दोस्ती पक्की हाँ ठीक है तो मैं चलता हूँ नानी आज मैं मग्गा बाबा से मिला मुझे इनसे मिलकर बड़ा अच्छा लगा न जाने न वैसे क्या खास बात है बेटे ये जीवन एक पहेली ही है शायद उन्हें इसका हल मिल गया होगा नानी ऐसा क्यों होता है कि हमारा मन हमें प्रश्न पूछता ही रहता है पर किसी का पूरा उत्तर नहीं मिल पाता बेटा उत्तर मिलने तक रुकना नहीं प्रश्न जरूर एक दिन हार जाएगा बाबा ये नदी बहुत गहरी है हाँ है तो वहाँ पे बहुत गहरी और उस तरफ और भी गहरी क्यों डर लग रहा है नहीं मुझे किसी से डर नहीं लगता मछलियां हैं मगरमच्छ भी है अब डर लग रहा है नहीं देखिए बाबा वो बादल एकदम मुनी की तरह लग रहा है ना क्या हाँ हाँ क्या सोच रहे हो यही सोच रहा हूँ कि आपने तैरना कब सीखा होगा डर लग रहा है नहीं थोड़ा भी नहीं थोड़ा भी नहीं डूबने से भी नहीं नहीं जरा सा नहीं राजा राजा बाबा आप बोलते हैं मैं तो पहले से जानता था आप हम सबको मूर्ख बनाते हैं यार आज आपके जेले चपाटे कहाँ गए भगा दिया नहीं समझा कोई नहीं समझा मूर्खों की भीड़ मग्गा मग्गा क्या मग्गा बाबा आपका नाम नहीं मग्गा खाली मग्गा प्यास प्यास तेरी प्यास तेरी प्यास पूरी होगी बाबा ना जाने क्यों मन में सदा एक अजीब सी प्यास बनी रहती है जैसे कभी मैं लाइब्रेरी में किताबों में या कभी नदी की गहराई में इसको ढूंढता हूँ पर कभी मन शांत नहीं होता बाबा डूब जा तो डूब जा मर जा मर जा मर जा मर जा डूब जा मर जा मर जा डूबेगा तभी तो जागेगा ये आज कैसी बात कर रहे हैं आप बाबा मुझसे मग्गा गया मग्गा जाएगा मग्गा चल दिया बाबा अगर आप भी चले जाएंगे तो इस गांव में तो मैं अकेला पागल बचूंगा मग्गा जाएगा पगल आएगा
मंगल आएगा, मंगा जाएगा। वो भी क्या आप ही की तरह मोनी बाबा होंगे ना? वो बोलेगा, वो बताएगा, वो दिखाएगा। अरे बाबा मैं आपसे छोटा हूँ, आप मेरे पैर छू रहे हैं। तुम्हारे नहीं, वो जो आने वाला है ना उसके। नमस्ते। अरे रजनी जी, बड़े दिनों बाद, आइए बैठिए। कैसे हैं आप? बढ़िया हूँ, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक। और ये बताइए कि आज बड़े शहर वाले छोटे शहर की तरफ कैसे मेहरबान हो गए? विद्यासागर जी क्या करें, बड़े शहर के छोटे दिल वालों से मन उब उठा था, सो अपनी माटी की सौंधी सुगंध ने फिर हमें यहाँ खींच लिया है। अरे वो नटखट शशि है ना, जो हमारी साइकिल के टायर से हवा निकाल देती थी। संभल जाइए, क्योंकि अब मैं मोटर कार के टायरों से भी हवा निकाल लेती हूँ। आइए मैं आपका परिचय अपने इस मित्र राजा से कराता हूँ, ये हमारे शहर के एकमात्र अजूबे हैं। आप तो अच्छे खासे इस नौजवान मित्र को अजूबा बना रहे हैं। आप नहीं जानती रजनी जी, राजा इस छोटी सी उम्र में अपनी समकालीन लाइब्रेरी की सभी धूल खाती किताबों को शब्द बाशब्द चाट लिया है, फिर भी इनका भूखा दिमाग है कि खाली का खाली। अब ये महाशय अजूबा नहीं है तो और क्या है? पानी से प्यास बुझती तो नदी को बहना क्यों पड़ता? इस उम्र में ऐसी सोच, अज्ञात को जाने की इतनी तड़प, भाई फिर तो हमारी राजा से दोस्ती खूब जमने वाली है। विचारों की जुगलबंदी छोड़िए और चलिए नदी घूमने चलते हैं। चलिए चलते हैं। आज शशि के बहाने ही एक चक्कर लग जाए नदी का। अच्छा हुआ तुझे इस सोने शहर में रजनी और शशि जैसे मित्र मिल गए, नहीं तो ये बड़ी बड़ी किताबें पढ़कर तू तो पागल ही हो जाता। नानी मैं इतनी आसानी से पागल होने वाला नहीं, उल्टा मैं लोगों को पागल कर दूं। ओ लोक निरंजन, ये लो पगले का नाम लिया और कोई बाबा आ गए। ओ लोक निरंजन, अलोक निरंजन, माते पगल पगल जग करे, पगल खड़ा मुस्काए। आपने पगल को पुकारा और पगल आ गया। मुझे मग्गा बाबा ने खास राजा से मिलने के लिए भेजा है। आज से ठीक एक महीने बाद माते मैं राजा को अपने साथ भारत भ्रमण पर ले जाना चाहता हूं। अंतर खोज के जिस मार्ग पर यह अग्रसर है उसके लिए यह यात्रा आवश्यक है माते, और मैंने राजा के पिताजी से भी आज्ञा ले ली है। बाबा ये तो मेरा सौभाग्य होगा, मैं आपके साथ भारत भ्रमण पर जाऊं। अलोक निरंजन, अलोक निरंजन, अलोक निरंजन। शशि आज चाय और पकोड़े बना रही है, अच्छा हुआ कि तुम आ गए। आज दोपहर से ही न जाने क्यों हमारा मन बड़ा उदास उदास सा था। बड़े शहर का शोर जितना खतरनाक होता है उतनी ही इस छोटे शहर की शांति भी। रजनी जी आपके पास तो किताबों का खजाना है, फिर आप क्यों उदास होती हैं? मैं तो अपने अशांत मन को कभी कभी इन किताबों में तो कभी नदी में डुबकी लगा के फुसला लेता। आप भी यही करें। मेरे मरहूम शौहर जनाब असगर अली और मेरी मित्रता भी इन किताबों के द्वारा ही हुई थी। उन्हें हर नई किताब पढ़ने का बहुत शौक था और हमें हर नए इंसान से पहचान बनाने में बड़ा लुत्फ आता है, और यही शौक मेरी बेटी शशि में भी है। उनका नाम असगर अली और आपका रजनी कैसे? मेरी पहली शादी एक जाने माने हिंदू परिवार में हुई थी, बदकिस्मती से वहां दिल के तार नहीं जुड़ पाए, और एक दिन मैं और मेरी बेटी समाज के थोपे गए हालातों से विद्रोह करके आजाद हो गए। उन संघर्ष के दिनों में जनाब असगर अली जी ने हम माँ और बेटी का हाथ थाम लिया। उनके साथ बिताए गए वो चंद दिन हमारी जिंदगी के सबसे सुनहरे दिन थे।
लेकिन खुदा के उस फरिश्ते को आखिर वापस चले ही जाना था ना। सो एक छोटे से हादसे ने उनकी जिंदगी हमसे छीन। मेरे बनाए ये चाय और पकौड़े उसी को मिलेंगे जिसके चेहरे पर मुस्कान होगी। इतने कोमल हाथ तो किसी शैतान बिल्ली के ही हो सकते। तुम्हें पता है मैं यहाँ कैसे पहुंची? कैसे? मैं पूरे रास्ते लोगों से पूछती आई कि आपने कोई खटारा साइकिल वाले को देखा है क्या, और सीधे यहाँ पहुंच गई। अच्छा, खटारा? हाँ, बहुत खटारा। सोच लो, अगर तुमने दोबारा मेरी प्यारी साइकिल को खटारा कहा ना, तो मैं तुम्हें कभी साइकिल नहीं सिखाऊंगा। पर मैंने कहा कुछ कहा, वो तो लोग कह रहे थे। मैं तुम्हें अच्छे से जानता हूँ, वैसे भी मैं तुझे साइकिल सिखाने वाला तो हूँ नहीं। माफ करो बाबा, और साइकिल देवी आप भी माफ करो। अब चलो ना, फटाफट साइकिल सिखाओ। चलो चलो, उठो फटाफट, चलो चलो साइकिल सिखाओ। अरे वाह, साइकिल चलाने में तो बड़ा मजा आ रहा है। अरे अरे, संभल के संभल के। अरे देखा, मुझे चोट लग गई। कुछ नहीं लगी है। पता है शशि, जिंदगी भी एक साइकिल की तरह है, जिसमें अगर हम संतुलन बनाना सीख जाएं, तो बड़ी आसानी से कट सकती है। मुझे भी संतुलन बनाना सीखना है। मैं सिखाऊंगा ना तुम्हें संतुलन बनाना। तो फिर चले। चलो। सारे कपड़े गंदे कर दिए मेरे, अब चलो यहाँ से। वैसे बहुत जोर से गिरा दिया तुमने। अच्छा, जब मैं अगली बार आऊंगी तो मुझे ऐसे गिरा तो नहीं दोगे ना? राजा, तुम्हें इस शहर में कभी बोरियत महसूस नहीं होती? मेरा जब कभी मन नहीं लगता, मैं तो नदी के किनारे जाके बैठ जाता हूँ, या घंटों आकाश को, या झूमते पेड़ों को देखता हूँ, या कभी यूं ही बाजार में अनजान चेहरों को देखता हूँ, तो कभी दुकानों पे लगे मजेदार किस्से पढ़ लेता हूँ। इससे मेरा मन अपने आप शांत हो जाता है। अरे अरे, ये देखो यहाँ क्या लिखा है, हमारे यहाँ केश कटवाइए और अपने जीवन का बोझ हल्का कीजिए। और नीचे भी तो पढ़ो क्या लिखा है, पूरा सर कटवाने पर विशेष रियायत दी जाएगी। राजा, आज तो तुम्हारे पिता की दुकान से कुछ कपड़े खरीदेंगे। तब फिर मैं आप लोगों को बता दूं कि आज आप लोगों की जेब कटने वाली है। कैसा जमाना आ गया है, बेटा अपने ही पिता का नुकसान करवाने पर तुला है। इसीलिए मेरे पिताजी मुझे कभी अपनी दुकान में फटकने तक नहीं देते। भाई गिरधारी जी, इस माधवलाल की बिटिया की शादी में 4 साड़ी और 4 ब्लाउज गए थे जी। उसके पैसे अब तक नहीं आए, बहुत दिन हो गए, जाके देख के आओ। नमस्कार जी। नमस्कार। हम राजा के मित्र हैं। राजा बहुत तारीफ करता है आपकी, तो हमने सोचा आपसे मिल लिया जाए जी। और कुछ कपड़े भी लेने थे जी। बहुत अच्छा किया, आप अंदर आइए ना, बाहर क्यों खड़ी हैं? वैसे राजा हमारी तारीफ करे ये बात कुछ हजम नहीं हुई, लेकिन हाँ, आपने बहुत अच्छा किया जो हमारी दुकान पे चली आई। क्या है ना, इस बहाने राजा की शक्ल देखने को मिल गई, नहीं तो ये दिन रात अपनी किताबों में मस्त रहते हैं, और ना माँ बाप की चिंता रहती है, ना दीन दुनिया की। लेकिन चाचा जी, एक बात बोलूं, आप राजा को किसी पगल बाबा के साथ 1 महीने के लिए बाहर भेज रहे हैं, तो आपको डर नहीं लगता कहीं वापस आने तक ये भी कोई अगल पगल बाबा बन गया तो? अरे बिटिया, डर तो लगता है, पर राजा के लिए नहीं, उस पगल बाबा के लिए। क्या है ना कि 1 महीने तक वो इसके ऊट पटांग सवालों के जवाब देगा तो देगा कैसे। चाचा जी, एक और बात बोलूं, आप ना बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये बात मन को कितना सुकून दे रही है कि हम इंसान, ये पहाड़ और नदियां,
सब आपस में जुड़े हैं। कुछ तो है जो सबको बांधे हुए है। इन मूर्तियों के शरीर तो काम मुद्रा में है, परंतु इनके चेहरे के भाव कितने शांत हैं। ये भी तो एक योग मुद्रा है। बाबा, बनारस में उन विद्वानों से मिलकर लगा कि जैसे उनके ज्ञान में जीवन की महक खत्म हो चुकी है। उनकी भाषा, उनका ज्ञान सब तर्कों पर आधारित था। ज्ञान को यूं तर्क का सहारा लेता देख बहुत अजीब लगा। ऐसा लगता है कि इसे कुदरत ने ही बनाया है। इतने दिनों में कितने इंसान, तूफान, बारिशें आई होंगी। इतने दिनों में कितने ही लोग आए और गुजर गए, पर ये सबको यूं ही देखता रहा होगा, जैसे कि आज। ये पवित्र मूर्तियां बहुत कुछ कहती हैं, पर हृदय की भाषा मौन है। कुछ तो मैं समझ पाया, पर बहुत कुछ है जो मैं समझ नहीं पाया। बाबा, सागर कितना विशाल होता है ना, इसका कहीं कोई अंत ही नहीं दिखता। और वो देखिए, ऐसा लगता है कि जैसे आकाश भी सागर में मिल गया हो। इंसान कुछ भी कर ले, वो कुदरत से कभी जीत नहीं सकता। पर हैरानी तो ये है कि वो फिर भी कोशिश नहीं छोड़ता। राजा, अब विदा लेने का वक्त आ गया है। बहुत जल्द तुम्हें मस्तो बाबा मिलेंगे, जो तुम्हारा जीवन संगीतमय कर देंगे। पर बाबा, मैं उन्हें ढूंढूंगा कैसे? वो स्वयं तुम्हें ढूंढ लेंगे। बाबा, इस अद्भुत तीर्थ यात्रा के लिए मैं आपका हमेशा आभारी रहूंगा। नानी, एक बात बताओ, जब मैं इस शहर से गया था तब तो यहाँ का मौसम बहुत खुशनुमा था, पर जब से वापस आया हूँ पता नहीं क्यों सब कुछ उदास उदास सा लग रहा है। लंबी यात्रा से आए हो, पहले नहा धो ले, कुछ जलपान कर ले, फिर आराम से बातें करेंगे।
नहीं नानी, मैं बाद में नहा लूंगा, पहले मैं रजनी जी के घर होके आता हूँ। मैं बस यूं गया और यूं आया। तुम्हारे जाने के कुछ दिनों बाद शशि को मामूली बुखार आया था। कितने ही डॉक्टरों को दिखाया, सबने बहुत कोशिश भी की, लेकिन उसे बचा नहीं सके। और एक शाम घर लौटते परिंदों के साथ वो भी हम सब से दूर चली गई। आखिरी समय तक उसके होठों पर बस तुम्हारा ही नाम था। कहती रही मैं फिर आऊंगी, मुझे राजा से संतुलन बनाना सीखना है। मस्तो, क्या मैं आप जैसी बंसी बजाना सीख सकता हूं? तुम तैयार हो तभी तो यहां आए हो। मैं कुछ समझा नहीं बाबा। विद्यार्थी जब तैयार हो जाता है तो गुरु खुद चला आता है।
राजा, जब तुम अपनी बांसुरी की धुन में इस तरह खो जाते हो तो न जाने क्या जादू कर देते हो। मेरे हाथ अपने आप रुक जाते हैं, मैं कुछ काम नहीं कर पाती, मेरी आंखें बंद हो जाती हैं और मैं किसी अनंत लोक में पहुंच जाती हूं। नानी, ये तो मस्तो बाबा की बांसुरी का कमाल है, नहीं तो मुझ में वो बात कहां जो मस्तो बाबा के रहस्यमय सुरों में है। बहुत दिन हुए मस्तो बाबा से मिले, कल मैं जरूर उनसे भेंट करने जाऊंगा। कोई चकोरवा अपने गुहार माँ जगाए दिए जाए, कोई चकोरवा अपने गुहार माँ जगाए दिए जाए, कोई कोयलिया कोई कोयलिया अपने पुकार माँ रोलाए दिए जाए, कोई कोयलिया अपने पुकार माँ रोलाए दिए जाए, कोई चकोरवा अपने गुहार माँ जगाए दिए जाए, कोई चकोरवा। कोई बदरिया के पार से बुलाहे लिए जाए, कोई बदरिया के पार से बुलाहे लिए जाए, कोई नजरिया के जाम से पिलाहे दिए जाए, कोई नजरिया के जाम से पिलाहे दिए जाए, पिलाहे दिए जाए, कोई चकोरवा कोई चकोरवा अपने गुहार माँ जगाए दिए जाए, कोई चकोरवा अपने गुहार माँ जगाए दिए जाए, कोई चकोरवा। कोई ठगवा अपने प्रीत माँ हंसाए लिए जाए, कोई ठगवा अपने प्रीत माँ फंसाए लिए जाए, कोई मोहरे मना प्रेम रंग माँ रंगाए दिए जाए, कोई मोहरे मना प्रेम रंग माँ रंगाए दिए जाए, कोई मोहे ध्यान माँ डुबाहे दिए जाए, कोई मोहे ध्यान माँ डुबाहे दिए जाए, कोई मोहे भाव माँ बहाए लिए जाए, कोई मोहे भाव माँ बहाए लिए जाए, बहाए लिए जाए, कोई चकोरवा कोई चकोरवा अपने गुहार माँ जगाए दिए जाए, कोई कोयलिया अपने पुकार माँ रुलाए दिए जाए, कोई चकोरवा कोई कोयलिया कोई चकोरवा कोई कोयलिया। मुझे मालूम नहीं था आप गाते भी हैं। राजा, मैं केवल अकेले में परम के लिए गाता हूं। तुम शायद पहले व्यक्ति हो जिसने मेरा गीत सुना है। बाबा, ये तो मेरा सौभाग्य है,
जो आज मैं आपका गाना सुन सका। राजा, तुम बांसुरी वादन में अब पारंगत हो चुके हो। अब समय आ चुका है तुम्हें अपनी बांसुरी को तिलांजलि देनी होगी। जो कुछ मुझे प्यारा है वो मुझसे छीना क्यों जाता है? अगर मैं आपसे कहूं कि आप गाना छोड़ दें तो क्या आप छोड़ देंगे? आज से ठीक एक सप्ताह बाद मैं गाऊंगा अपने जीवन का आखिरी गीत और तुम बजाओगे बांसुरी की आखिरी धुन। आशा करते हैं कि आप आती रहेंगी। जी बिल्कुल। न जाने कब से मेरा सपना था कि बस्तर के किसी आदिवासी गांव में रहकर वहां के बच्चों को पढ़ाऊं। सरकार ने मंजूरी दे दी है, उस पाठशाला का नाम शशि रखूंगी। रजनी जी, आपकी बहुत याद आएगी। और आपने जो अपनी किताबों का खजाना हमारी लाइब्रेरी को दिया है ना, उसके लिए शहर हमेशा आपका शुक्रगुजार रहेगा। बेटा देखो, तुम्हारे स्कूल की पढ़ाई तो अब पूरी हो चुकी है और जबलपुर में अब तुम्हारे कॉलेज के एडमिशन की बात कर ली है मैंने, तो जाने की तैयारी कर लो। अब तक अनगिनत किताबों की खाक तो मैं छा नहीं चुका हूँ, पर कुछ हासिल तो हुआ नहीं। कॉलेज की नपीतुली पढ़ाई में क्या हासिल होगा? राजा, तुम और तुम्हारी ये पहेलियां ना, एक बात समझ लो कि कॉलेज की पढ़ाई से और कुछ तुम्हें हासिल हो या ना हो, डिग्री जरूर मिल जाएगी। और एक बार डिग्री हाथ आई ना तो नौकरी मिलते देर नहीं लगेगी। चलिए ये भी करके देख लेते हैं, वैसे भी एक एक करके शहर से मेरा नाता तो टूटता ही जा रहा है। प्यासा है जोगिया,
प्यासी है नदिया प्यासा है जोगिया एक व्याकुल बहे हो जय सागर बावरिया दूजा पागल डोलाए चहुर करे पुकारा व्याकुल बहे खोजे सागर बावरिया दूजा पागल डोलाए चहुर करे पुकारा अजब है तेरी माया कोई पार न पाया अजब है तेरी माया कोई पार न पाया जो भी गहरे डूबा समर सार पाया गहरे डूबा समर सार पाया प्यासी है नदिया प्यासा है जोगिया प्यासी है नदिया प्यासा है जोगिया चले दोनों खोजन चले दोनों खोजन परम पिया प्यासी है नदिया प्यासा है जोगिया प्यासी है नदिया प्यासा है जोगिया प्यासी है नदिया प्यासा है जोगिया तननाद जब तुम्हें तुम्हारी ये प्यारी सी बांसुरी को विदा करना होगा जब एक संगीतज्ञ अपने शिखर पर पहुंच जाता है तो उसे अपने साज को त्यागना ही पड़ता है ताकि वो संगीत के लय में छुपे मौन का स्वाद चख सके पता नहीं क्यों मुझे आप मग्गा बाबा पगल बाबा तीनों अलग अलग नहीं बल्कि एक ही लगते हैं बस आप तीनों का हुलिया अलग अलग है तुमने हमें सही पहचाना राजा सत्य की राह पर चलने वालों की सुगंध एक सी ही आती है राजा तुम्हारा और मेरा सफर यहीं तक था आगे की यात्रा तुम्हें अकेले ही तय करनी होगी जाओ स्वर्णिम भविष्य तुम्हारा इंतजार कर रहा है नानी ओ नानी कहाँ खो गई थी आप बेटे बचपन में हर रात तुम अपने जिए हुए पल मेरे हवाले कर देते थे बस उन्हीं अनगिनत पलों की यादों में खो गई थी
लेकिन राजा तुम अब बदल गए हो। तुम्हारे चेहरे पर अलग ही आभा नजर आ रही है। तुम्हारी आंखों में आज अनंत शांति झलक रही है। ये सब कैसे और कब हुआ? नानी, यही तो मैं आपको बताने आया था। जब पहली बार मैं कॉलेज की पढ़ाई के लिए जबलपुर जा रहा था तो मेरा मन बहुत भारी हो रहा था। जबलपुर में जिस परिवार के साथ रहने का प्रबंध पिताजी ने किया था वहां कोई खास तकलीफ नहीं थी, पर अकेलापन पाने के लिए मेरा दम घुटता था। सो मैंने बगैर पिताजी को बताए एक अलग मकान ढूंढना शुरू कर दिया। ढूंढते ढूंढते एक मकान पर मेरी नजर पड़ी। वो पुराना था लेकिन बहुत सुंदर था। मैं ढूंढता हुआ उसके मालिक एक पक्के सिंधी श्री चरणदास के पास पहुंचा। और छह आना का ये हिसाब है तो दो आना के। नमस्कार चरणदास जी। नमस्कार भाई, क्या चाहिए? 7×14। आपका भुतहा मकान। भाई साहब धाम की क्या आयो क्या? चलो भैया यहाँ से सुबह सुबह धंधे का टाइम है, निकलो। मैंने तो सुना था कि आपके मकान को भूतों ने जकड़ रखा है, आप कुछ परेशानी में हैं। भाई साहब क्या कह रहे थे? भूतों ने घेर रखा है, बैलों ने नहीं। भूत भगा देंगे। तो क्या मैं भूत ही भगाता हूँ? भूत भगाता भाई साहब, भूत कोई बैल वैल नहीं कि भगा देते। भूत है भूत, डरते पूरे मोहल्ले वाले उस घर से। अरे भूत भगाना मेरे बाएं हाथ का काम है, और आपका बहुत पैसा वैसा फंसा उस मकान में। जब आपको भाई साहब, आप सच में भगा देते हो क्या भूत को? अब आपको यकीन मैं कैसे दिलाऊं? आप देख लो मुझे आजमा के। भाई सच कहता हूं, मतलब ना पैसे की चिंता नहीं है मुझे, इज्जत ताव पे लगी है। बहुत बुरा लगता है जब मोहल्ले से निकलता हूँ ना, छोटे छोटे बच्चे ए भूतिया चरणदास जब बोलते हैं ना, मन खून खोल जाता है। इतना पैसा किस काम का है? नहीं नहीं, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, अब कोई नहीं कहेगा आपको। एक बार मैं वहां चला गया तो भूत वहां से निकल ही जाना है भाई। अरे यार ये लो चाबी। वैसे किस तरीके का भूत है? कभी कभी ना रात में छमछम की आवाज आती है तो लगता है औरत भूत है। कभी कभी चिल्लाने की आवाज आती है तो लगता है दो भूत है। आप भगा दोगे ना? दो भूत है? हाँ। तब तो मुझे कुछ ज्यादा दिन रुकना पड़ेगा वहाँ। आप रुको, कोई परेशानी नहीं है, अपना घर है। हाँ। और चावल दाल नमक कुछ भी चाहिए? अरे नहीं 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 तरफ से चलिए लेके जा। ठीक है, समझ गए मतलब। ठीक है मैं चलता हूँ। हाँ ठीक है भगवान। बस वहां से निकला और सीधा उस घर पर पहुंचा। उसे देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। मैं जानता था यहां कोई मुझे परेशान करने वाला नहीं है। मैंने जैसे ही उस घर का दरवाजा खोला वहां रौन देने वाली शांति थी, पर शायद मुझे तो यही चाहिए था। दिल में अजीब सा सुकून था। बस मैंने अपना सामान उठाया और उस घर को अपना लिया। जल्दी ही मैंने भूत का राज भी जान लिया। वो मकान एक खुली जगह पर था। जब तेज हवाएं चलती थीं, तो पेड़ की टहनियां आपस में टकराकर आवाज करती थीं, और लोगों ने उसे भूत से जोड़ दिया था।
मैं वहां बहुत खुश था। चरण दास ने खाने की चिंता भी दूर कर दी। जब भी उसकी दुकान पर जाता वो मेरा झोला राशन से भर देता और मैं मुस्कुराते हुए चल देता। कुछ दिन कॉलेज जाने के बाद मुझे लगा कि वहां जाना बेकार है, क्योंकि मुझे मेरे सवालों के उत्तर नहीं मिल रहे थे। प्रोफेसर्स के साथ कई बार बहस हुई। कारण सिर्फ इतना था कि मेरे सवालों के जवाब उनकी रटी हुई किताबों में नहीं थे। मैंने शहर की लाइब्रेरी में जाना शुरू कर दिया। वहां खूब पढ़ता और मन शांत नहीं होता तो घर पर आकर भी पढ़ता। मनुष्य के इतिहास में रचे गए हर शास्त्र द्वारा उस परम रहस्य को जानने की कोशिश करता। यहां तक कि कार्ल मार्क्स और लेनिन की सारी किताबें पढ़ डाली थी, पर उन मुर्दा शब्दों ने कभी कोई जवाब ही नहीं दिया। चैया बड़े रसदार तेरी दुनिया, रसदार रसदार तेरी दुनिया, तेरी दुनिया। मेरा पागलपन बढ़ता जा रहा था और मेरे सवाल भी। कभी मैं सूफियों की दरगाह में जाकर उनके जवाब तलाशता, तो कभी साधुओं की टोलियों के साथ घूमता फिरता, तो कभी किसी गिरजाघर की दीवार से पूछता। बुद्ध और महावीर की प्रतिमाओं के उत्तर भी सदा पहेली में मौन में ही होते थे। धीरे धीरे मेरे प्रश्न लौटकर मेरी तरफ ही आने लगे। लगता था उत्तर मेरे आसपास ही है, जो मेरी समझ से परे है। दिन और रात का भेद खो चुका था। अकारण मैं पूरी रात यहां से वहां भटकता रहता था। क्यों और कहां से नाता टूट गया था। वक्त रुक चुका था, मैं चल रहा था। उन्हीं दिनों किसी ने मेरे बारे में पिताजी को खबर कर दी, तो वो एक दिन मुझसे मिलने आ पहुंचे। मेरी हालत देखकर एकदम घबरा गए और मुझे एक वैद्य के पास ले गए। उस वैद्य ने मुझे देखा और मुस्कुराकर एक बोतल में मीठी शरबत दवाई कहकर पिताजी के हाथ में दे दी। पिताजी मुझे हिदायतें देकर घर लौट गए। मैं सब कुछ करके हार गया था। उस दिन मैंने तय किया कि या तो जीवन का अंत या जवाब। कभी मैं अपना सिर दीवार से टकराता और कभी यूं ही घंटों छत को घूरता रहता। इसी तरह 7 दिन गुजर गए थे। पर उस रात, आधी रात बीतते बीतते मेरा उस कमरे में रहना मुश्किल हो गया था। कोई अज्ञात शक्ति मुझे खुले आसमान के नीचे खींच रही थी। मैं बाहर निकला। मेरी चाल ऐसी थी जैसे कि मैं नशे में हूं। वो रात नहीं, दिन था शायद। सब कुछ साफ साफ दिख रहा था। हर कदम के साथ वहां पहुंचने की जरूरत बढ़ती जा रही थी। मैं रुकना नहीं चाह रहा था और वो शायद रोकना। शायद यही जानने जा रहा था कि कहां जा रहा हूं। काफी देर तक यूं ही चलता रहा और उसके बाद रुका। ओ
घंटों उस पेड़ के नीचे बैठकर जब मैं घर लौटा तो सुबह हो चुकी थी, मेरी भी और इस दुनिया की भी। वहां जो कुछ था सब नया हो गया था, हर चीज खूबसूरत थी। वो बिखरी हुई किताबें मुझे देख रही थी, उनके सवालों का जवाब मेरी मुस्कुराहट में था। वहां की हर चीज मुझे देखकर खुश थी और मैं उन्हें देखकर। ये घंटों चलता रहा। मुझे सबसे पहले आपकी स्मृति आई और मैं सीधा आपसे मिलने चला आया। अपने इस अद्वितीय अनुभव को आपके साथ बांटने। नानी, ये जो प्रेम और आनंद की अनमोल संपदा मुझे मिली है, इसे मैं सभी के साथ बांटना चाहता हूं। और ऐसा करने के लिए मुझे आपकी आज्ञा चाहिए। राजा, पहले तुम केवल मेरे राजा थे, अब जगत के राजा हो गए हो। जाओ और संपूर्ण जगत को अपने ज्ञान और प्रेम से रंग दो। मगर सबसे पहले मैं तुम्हारी शिष्या बनूंगी। मुझे दीक्षा दो राजा। नानी, आपको दीक्षा देने के लिए मुझे पहले आपका आशीर्वाद चाहिए होगा। प्रिय मित्रों, मैं सिखाने नहीं जगाने आया हूं। ओम रे रचैया, बड़ी रसदार तेरी दुनिया, कहीं छाया कहीं धूप। रचैया बड़ी रसदार तेरी दुनिया, कहीं छाया कहीं धूप। रे छलिया बड़ी मजेदार तेरी माया, कहीं अरूप कहीं रूप। रे छलिया बड़ी मजेदार तेरी माया, कहीं अरूप कहीं रूप। बुझले बबुआ बुझले, बुझले बबुआ बुझले। तेरी
और तेरा घर है एक, तेरे जाम है लाख, तेरी सुराही है एक, तेरी राहें हैं हजार, तेरा घर है एक, तेरे जाम है लाख, तेरी सुराही है एक। सीढ़ियाँ कहीं मदिरालय कहीं देवालय, रे पिलैया बड़ी घुमदार, तेरी सीढ़ियाँ कहीं मदिरालय कहीं देवालय। डूबले रसिकवा डूबले